एवरीवन, वेलकम टू किचन रेसिपी बाय रेखा। आज मैं आपको कच्ची हल्दी का अचार बनाकर दिखाऊंगी, जो कि रेकमेंडेड रेसिपी है। चलिए बनाकर दिखाते हैं कच्ची हल्दी का अचार। कच्ची हल्दी के लिए मैंने यहाँ पे 150 ग्राम कच्ची हल्दी ली है, जो कि मैंने धो ली है और सुखा ली है। 4 नींबू लिए हैं, हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च ऑप्शनल है, आप लोग डालिए या ना डालिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जीरा लिया है, मेथी ली है, मेथी दाना लिया है, राई ली है, बड़ी सौंफ ली है, कलौंजी ली है और हींग, थोड़ा सा लाल मिर्च और नमक स्वादानुसार। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये हल्दी में तो रंग छूटता है, तो आप जो है उसको काटने के लिए हाथ में कोई भी ग्लव्स पहन लीजिए, नहीं तो आपका हल्दी का रंग आपके हाथों में आ जाएगा। जो भी आपके घर में पॉसिबल हो ग्लव्स वो आप पहन लीजिए। और हल्दी को छीलना है। ये आलू छीलने वाला चाकू है, आप इससे भी अदरक को अच्छे से छील सकते हैं। कच्ची हल्दी को इसी तरीके से आपको पूरा छीलना है, सारी हल्दी छील लेनी है। ये देखिए मेरी सारी हल्दी छिल गई है, देखिए इसमें कितना रंग आया है। तो आप ग्लव्स या कुछ पहन के ही हल्दी को काटें। अब मैं हल्दी को काट रही हूँ, आप लोग चाहिए तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं और नहीं तो आप लंबे लंबे पीस भी काट सकते हैं। इसी तरीके से इसको छोटे छोटे कर दीजिए। हल्दी से बहुत फायदे होते हैं, ये इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, स्किन के लिए भी बहुत हेल्दी होता है। इसको दूध में उबाल कर भी पीते हैं। इसको खाने से, कच्ची हल्दी का प्रयोग करने से कैंसर भी नहीं होता है, ब्लड को प्यूरिफाई भी करता है, स्किन के लिए तो होता ही है फायदेमंद। कच्ची हल्दी बहुत फायदेमंद होती है। हल्दी तो वैसे सभी के किचन में होती है और ठंडक में बहुत फायदा करती है। इसी तरीके से आपको चाहिए आप लंबे पीस करिए, आपका है तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको सारा करना है, पतले पतले पीस। ये देखिए मेरी कच्ची हल्दी पूरी कटके तैयार हो गई है। अगर आपके घर में धूप आती हो तो इसको 1 घंटा धूप में दिखा के भी अचार बना सकते हैं। अगर नहीं आती है तो अभी मैं दिखाऊंगी, कढ़ाई में इसको सुखाएंगे क्योंकि पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आप लोग चाहिए तो ये अदरक भी इसी में डाल सकते हैं अचार के साथ, कच्ची हल्दी के साथ। इसके भी आप लंबे लंबे पीस कर लीजिए। मैं यहाँ पर थोड़ी सी डाल रही हूँ, मेरी अदरक भी कट के तैयार हो गई है। अब हरी मिर्च आप चाहे तो आप ऐसे पीस करके भी डाल सकते हैं और चाहे आप इसके 2 पीस करके डाल सकते हैं, कैसे भी जैसे भी आप लोग चाहें। चाहे तो 20 से चीरा लगा के भी छोटी छोटी हरी मिर्च आप इसमें डाल दीजिए अचार में, और नहीं भी डालना चाहिए तो खाली कच्ची हल्दी का भी आप अचार डाल सकते हैं, ये सब ऑप्शनल है। चलिए अब हल्दी के लिए मैं कढ़ाई चढ़ा रही हूँ, इसका पानी सुखाते हैं इसमें जो भी पानी होगा, नहीं तो आपके घर में धूप है तो आप धूप में 1 घंटे के लिए इसको सुखा दीजिए। लेकिन मैंने कढ़ाई चढ़ाई, कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है, इसको अब सुखा लेते हैं। अगर इसमें थोड़ा पानी का असर होगा तो ये सूख जाएगा, क्योंकि अगर अचार में पानी रहेगा तो आपका अचार खराब होने के चांसेस रहते हैं। कढ़ाई आप कोई भी चढ़ा सकते हैं, लोहे की, पीतल की, मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक चढ़ाई है। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें
और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली रेसिपी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ये देखिए धीमी आंच पर मैंने 3 से 4 मिनट के लिए इसको सुखाया है। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। कढ़ाई को फिर से चढ़ाती हूँ। मैंने फिर से कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें मैं 1 चम्मच कलौंजी डाल रही हूँ, उसको भूनना है। ये आप कोई भी घर का स्पून ले लीजिए या फिर जो मेजरमेंट वाले स्पून आते हैं, देखिए मेरा, इसको ऐसे करके इसको गिरा दीजिए एक्स्ट्रा, ये हुआ। तो ये 1 चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, इसको अच्छे से भूनना है। ये मेरी कलौंजी भून गई है, इसको मैं अलग निकाल ली हूं। आप सारे मसालों को एक साथ भूनेंगे। इसमें मैं डाल ली हूं राई, ये जो बड़ा स्पून होता है उसका ही हाफ चम्मच है, 1 चम्मच और 1.5 चम्मच, ये 1.5 चम्मच मैंने राई डाली है। सौंफ भी मैं 1.5 चम्मच डालूंगी। हींग 2 पिंच, थोड़ी सी मेथी, थोड़ा सा जीरा, इन सबको मुझे भूनना है, भून से मुझे ग्राइंड करना है। ये देखिए मेरा मसाला हो गया, राई की आवाज आ रही है। अब इसको जरा सा ठंडा हो जाए फिर इसको मिक्सी में पीस लेंगे। अब मैं इसमें नींबू का रस डाल रही हूं। आप लोग इसमें अमचूर डालना चाहिए तो अमचूर भी डाल सकते हैं। मैं इसमें 2 नींबू का रस डाल रही हूं और 2 नींबू मैं ऐसे ही काट के डाल रही हूं, इसमें छोटे छोटे पीस करके। ये भी आपके स्वादा के अनुसार है, स्वादानुसार है, आप लोग नींबू डालिए या ना डालिए। अब मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें तेल डालना है। तीन चार चम्मच आप इसमें तेल डाल लीजिए, गरम कर लीजिए तेल को। जब गर्म हो जाएगा, कच्चा तेल नहीं डालना है, जब गर्म हो जाएगा तब उस हल्दी में डालेंगे। अभी जो मसाला भून के रखा है ये इसमें मिलाना है। ये कलौंजी मैंने पीसी नहीं है, इसको साबुत ही डालना है। हींग मैंने उसमें भी डाली थी, इसमें भी कच्ची हींग डाल रहे हैं मैं। लाल मिर्च मैं नहीं डाल रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। नमक स्वादानुसार डालना है। ये लाल मिर्च है लेकिन मैं यहाँ पे लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा। अब इसको मिक्स कर लेना है। उधर मेरा तेल गरम हो रहा है, जब तेल गरम हो जाएगा तो फिर तेल इसमें डालना है। अभी अब आइए, मेरा तेल भी गरम हो गया है। अब मेरा ये तेल हो गया है, इसमें मैं थोड़ा हल्दी डालना है और उसमें मिलाना है इस तेल को, थोड़ा थोड़ा ऐसे करके इसको भी चलाते रहना है।
इसको अच्छे से मिला के आप लोगों को इसको 2 से 3 दिन तक इसको अच्छी धूप दिखानी है, फिर किसी एयर टाइट कंटेनर में रख के बंद करके इसको रखना है। ये अचार मेरा बनके, कच्ची हल्दी का अचार बनके मेरा तैयार हो गया है। अब लास्ट में मैं आपको 2-3 टिप्स इसके लिए देना चाहूंगी। इसके लिए सबसे पहले इसके लिए आपको अच्छी धूप दिखानी है, 2 से 3 दिन कम से कम आपको अच्छी धूप दिखानी है, एयर टाइट डिब्बे में रखना है। अचार निकालते टिप्स नंबर 2, आपको अचार निकालते समय हाथ आपके बिल्कुल सूखे होने चाहिए, और जिस चीज से आप निकाल लें, अगर आप चम्मच से निकाल रहे हैं तो आप चम्मच भी आपका सूखा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, उससे आपका अचार खराब नहीं होगा। और टिप्स नंबर 3, अगर आपको लंबे समय तक आपको अचार रखना है तो आपको मस्टर्ड ऑयल गरम करके इसको इसमें ऊपर तक भर देना है, तो आपका अचार कभी खराब नहीं होगा। अगर आपको कच्चा तेल डालना है तो उसके लिए भी फिर आपको धूप में तेल को पकाना पड़ेगा। और अचार मेरा बनके तैयार हो गया है, आप लोग इसको घर पर बनाइएगा और बताइएगा मेरी कच्ची हल्दी का अचार, जो कि बहुत फायदेमंद होता है, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।